हमारा आज का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले पार्ट ए जो हमें कहा जा रहा है वो हमसे पूछा जा रहा है कि कोफिशंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्रिएट और फ्लोर के दरमियान क्या होगा उसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस पार्ट ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी जो कि कुछ इस तरह से होगी जबकि मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसकी बनाऊंगी सो so, ये आपके सामने फ्री बॉडी डायग्राम है मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ पार्ट ए के ही नीचे और अब मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम को एक्सप्लेन करती हूँ तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले ये जो फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स है जो कि फ्लोर क्रेट के ऊपर लगा रहा होगा जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया है नीचे ये वाली जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एम इंटू जे होती है ये जो फोर्स है ये ये वाली फोर्स है जो कि एट सर्टेन एंगल हमें क्वेश्चन के अंदर ही ट्वेंटी डिग्री सॉरी ट्वेंटी न्यूटन गिवन है ठीक है और इसके अलावा हमारे पास नहीं सॉरी थ्री हंड्रेड गिवन है ठीक है थ्री हंड्रेड फोर्स गिवन है और इसके अलावा ये जो है ये फोर्स ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन है अब क्योंकि मोशन मेरे पास टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन है तो कैनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होगी वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में यानी इस तरफ होगी तो इसलिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ है अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो भी फोर्स आपकी सर्टेन एंगल पे होती है आप उस फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं तो जब मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करूँगी तो मेरे पास इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ तो एक्स कॉम्पोनेंट मेरे पास यहाँ पर आएगा ठीक है इसका एक्स कॉम्पोनेंट और इसका जो वाई कॉम्पोनेंट होगा मेरे पास वो मेरे पास इधर आएगा तो अब क्योंकि मैंने कॉम्परेंट्स बना लिए तो मुझे इस फोर्स की ज़रूरत नहीं है तो मैं इस फोर्स को क्या कर देती हूँ डिलीट लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना पड़ेगा देखें एक सिंपल सी बात है कि जो एंगल यहाँ पे होता है हमारे पास लेज़र लेके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ देखें अगर मेरे पास ये एंगल है यहाँ पर तो यहाँ पर भी यही सेम एंगल होगा तो मैं इस सेम एंगल को यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ कि ये वाला जो मेरे पास एंगल है ये भी मेरे पास कितना है ट्वेंटी डिग्रीज़ का एंगल होगा तो अब अब अगर मेरे पास ये एंगल 20 डिग्रीज़ का है तो आप देखिए इसके एडजेसेंट वाला जो साइड होगा वो मेरे पास क्या होगा एफ़ कॉस 20 डिग्री होगा तो यहाँ पे फिलहाल मैं सिर्फ सी लिख रही हूँ डिटेल में मैं आप लोगों को सॉल्व करते हुए लिख के दिखाऊंगी और जो मेरे पास ऑपोजिट एंगल होता है वो साइन का एंगल होता है तो ये मेरे पास हो जाएगा एफ़ साइन ट्वेंटी डिग्री तो ये मैंने एस लगा लिया है अब कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करने के बाद हमें फोर्स की इट्स कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इस फोर्स को डिलीट कर लेते हैं ठीक है डिलीट करने के बाद अब आप देखें कि मेरे पास क्या हो है कि मुझे आ, अगर फोर्स ऑफ कैनेटिक कोपिश ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन निकालना है तो सिंपस्ट तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूँ जो कि मेरे पास होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर मैं देखूँ तो वो होता है सम ऑफ फोर्सेस इज इक्व टू मास इनटू एक्सेलरेशन ये मेरे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है जो कि हम इस फ्री बॉडी डायग्राम पे अप्लाई करने जा रहे हैं अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट स्पीड इसका मतलब कि मेरे पास जो एक्सेलेशन है वो इक्वल्स टू है जीरो के अब अगर एक्सेलेशन ज़ीरो है तो यहाँ पे एक्सेलेशन को मैं एम कुछ भी हो एक्सेलेशन अगर जीरो है तो इस पूरे टर्म ने मेरे पास क्या हो जाना है ज़ीरो हो जाना है इसका मतलब कि जो मेरे पास पार्ट ए के लिए इक्वेशन बनेगी वो बनेगी सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वस टू जीरो तो मैं लिख लेती हूँ सम ऑफ़ फोर्सेस इज इक्वस टू जीरो अब वो चाहे एक्स कॉम्पोनेंट की फोर्सेस हो या वाई कॉम्पोनेंट की मेरे पास सम ऑफ फोर्सेस जो है वो जीरो ही है तो सबसे पहले मैं सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स कॉम्पोनेंट लेती हूँ तो एक्स कॉम्पोनेंट में मेरे पास टोटल कितनी फोर्सेज हैं हम देख लेते हैं x कॉम्पोनेंट में देखें एक तो ये एफ के है एक मेरे पास है इस फोर्स का एक्स वाला कॉम्पन ठीक है तो मेरे पास आ, दो ही फोर्सेस हैं जो कि टुवर्ड्स एक्स एक्सेस हैं तो मैं इनको लिख लेती हूं अब इनकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये क्योंकि टुवर्ड्स पॉजिटिव है तो ये वाली मेरे पास पॉजिटिव होगी वेर एज ये वाली नेगेटिव होगी तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ अब मैं डिटेल में लिखूंगी एफ कॉस ट्वेंटी डिग्री तो हम लिख लेते हैं एफ कॉस ट्वेंटी डिग्री माइनस ऑफ एफ के इज इक्वल्स टू एफ़ के एक सेकेंड माइनस ऑफ एफ के इज़ इक्व टू ज़ीरो तो ये मेरे पास सम ऑफ फोर्सेज अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन जो है उसकी इक्वेजन आ चुकी है अब मुझे पता है एफ़ मेरा कितना की बिंदा थ्री हंड्रेड तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँगी एफ़ की तो ये हो जाएगा थ्री हंड्रेड इन टू कोस ट्वेंटी डिग्री तो ये मैं लिख लेती हूँ कोई किली थ्री हंड्रेड कोस ट्वेंटी डिग्री और एफ को मैं इक्व टू के उस साइड पे ले जाऊंगी तो ये इक्वल हो जाएगा एफ और के दैट इज़ फोर्स ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन तो इसका मतलब कि फोर्स ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 300 हंड्रेड कॉस ट्वेंटी डिग्री है तो आप इसको कैलकुलेटर में जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो एफ के आएगा वो इक्वल आना चाहिए 282 न्यूटन के ठीक है तो ये हमारे पास 282 न्यूटन फोर्स ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन आ चुका है 282 न्यूटन ठीक है ये मेरे पास फोर्स ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन आ चुका है अब यही सेम इक्वेशन मैं टूवर्ड्स वाई एक्सेस लगाऊंगी यानी कि सम ऑफ फोर्सेज अलॉन्ग वाई कॉम्पोनेंट्स के लिए लगाऊंगी ठीक है वाई कॉम्पोनेंट्स के लिए तो वो भी क्या होगा इक्वल्स टू होगा जीरो के अब वाई कॉम्पोनेंट पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी फोर्सेस हैं तो देखें एक तो मेरे पास y कॉम्पोनेंट में ही ग्रेविटेशनल फोर्स है ठीक है इसके अलावा मेरे पास वाई कॉम्पोनेंट में कौन सी फोर्स है मेरे पास ये नॉर्मल फोर्स है ठीक है ये वाली जो कि अब शायद ये आपको दिख रही होगी पीछे राइट में जो है और एक मेरे पास जो ये वाली फोर्स थी इसका वाई कॉम्पोनेंट यानी टोटल तीन फोर्सेस मेरे पास वाई एक्सेस में है अब हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन में एम क्योंकि डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव होगी एन क्योंकि नॉर्मल फोर्स क्योंकि ऊपर की तरफ है तो ये मेरे पास पॉजिटिव होगी और एक और जो मेरे पास y कॉम्पोनेंट है वो क्योंकि डाउनवर्ड है तो वो भी नेगेटिव होगा इसका मतलब y कॉम्पोनेंट के ऊपर एक फोर्स मेरे पास पॉजिटिव और दो फोर्सेस नेगेटिव हैं तो मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ n माइनस एफ साइन ट्वेंटी यानी f साइन ट्वेंटी साइन वाला जो कॉम्पोनेंट था ये उसके लिए मैंने लिखा है एफ़ साइन ट्वेंटी डिग्री माइनस एम जी ठीक है माइनस एम जी इक्व टू ज़ीरो तो ये मेरे पास y कॉम्पनेंट्स के लिए मैंने इक्वेशन लिख ली है अब आप ये देखो कि मेरे पास यहाँ से मैं n निकाल सकती हूँ कैसे कि मैं लिख लेती हूँ n इज़ इक्वल्स टू अगर मैं कर दूँ तो ये दोनों इक्वल्स टू के उस साइड पे चले जाएंगे तो f मुझे पता है कितना है मेरे पास f था थ्री हंड्रेड तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ थ्री हंड्रेड साइन ट्वेंटी डिग्री ये हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं थ्री हंड्रेड साइन ट्वेंटी डिग्री माइनस एम इन टू जी अगर आप देखो तो वेट की जो इक्वेजन होती है मेरे पास वो क्या होती है W इक्व टू मास इंटू ग्रेविटी यही इक्वेजन होती है वेट की ठीक है और इसका जो मेरे पास यूनिट होता है वो क्या होता है न्यूटन ठीक है न्यूटन होता है तो इसका मतलब इस पूरे डब एम जी की जगह मैं ये जो थाउजेंड न्यूटन गिवन है ये यूज़ कर सकती हूँ ठीक है अकॉर्डिंग टू uh, इसका वे अकॉर्डिंग टू यूनिट बैलेंस ठीक है तो मैं इस W इक्व टू एम जी के लिए मैं ये जो थाउजेंड न्यूटन है अकॉर्डिंग टू यूनिट बैलेंस वो मैं डायरेक्टली थाउजेंड पुट कर सकती हूँ तो इसलिए हम एम जी की जगह पर डायरेक्ट लिख लेंगे थाउजेंड यहाँ पर मुझे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे ये यूनिट न्यूटन देख के पता लग गया कि मुझे डायरेक्ट एम जी ही की वैल्यू के बन है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट थाउजेंड लिखा है ठीक है तो जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे अच्छा ये मेरे पास सॉरी पॉजिटिव हो जाएगी ना इक्वस टू के उस साइड हम ले चुके हैं तो एन मेरे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करोगे ये इक्वल आएगा डबल वन ज़ीरो टू के इक्वल ठीक है डबल वन जीरो टू के इक्वल अब हमारे पास एक जो चीज़ है अगर आपको याद हो कि मेरे पास फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है एफ के ये इक्वल होती है कोफ़िशंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू के जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं लिख लेती हूँ म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स के इक्वल होती है ठीक है अब यहाँ से अगर मुझे ये म्यू के निकालना है तो मैं इस एन को वहाँ डिनोमिनेटर में ले जाऊँगी यानी कि जो मेरा म्यू के है वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा म्यू के मेरे पास इक्वल हो जाएगा एफ़ के ओवर एन के ठीक है तो मैं लिख लेती हूँ एफ के डिवाइडेड बाय एन अब यहाँ पर आप ये देखो कि मेरे पास एफ़ के की वैल्यू भी है ये रही और एन की वैल्यू भी है डबल वन ज़ीरो टू तो इन दोनों को आप सिंपली डिवाइड कर लो यानी टू एटी टू 1102 बाई एलेवन जीरो टू तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो पॉइंट टू फाइव सिक्स टू फाइव सिक्स और क्योंकि ये कोफ़िशेंट है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता तो ये सिंपली मेरे पास पार्ट ए जो है वो सॉल्व हो चुका है